आस्तिक बाहर निकाल बेटा। अरे तू डर मत, मैं हूं ना। नहीं पिताजी, हम नहीं आएंगे। अब इस दुनिया में हम बाहर नहीं आएंगे। गुरुजी। अलौकिक नालायक, तुझे मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। एलियन। तेरे पापा अंदर आस्तिक भैया बैठे हैं, आप अलौकिक पे क्यों चिल्ला रहे हो? ये अलौकिक का कुछ करना पड़ेगा। उसकी ये वाइफ पकड़ पकड़ के बकवास करने की आदत अब हद से पार होती जा रही है। आज सुबह सुबह उसे कुछ वाइब्स आ गए तो उसने आस्तिक को पकड़ कर कहा कि मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि अगले एक साल में तेरी शादी होने की आशंका है। बोलो। इसीलिए आस्तिक भैया अंदर बैठ गए चुपके। हाँ नहीं, हम गुरुजी का नाम लेकर यही जी लेंगे, एक साल तक बाहर नहीं निकलेंगे। अरे बेटा ऐसा मत कर, बाहर निकल। हमारे पूरे घर में एक ही बाथरूम है, बाहर आ जा। आओ 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 आओ। डरा दिया मुझे। सरगम भाभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं वाइफ पकड़ रहा हूं। आओ। भगवान ने भी ना चुन चुन के 7.5 अजूबे मेरी जिंदगी में भेजे। आओ आओ। देख अलौकिक, जो तू सरगम भाभी मुझे वाइब्स आ रही है कि आप मुझे समझाने वाली है। देख अलौकिक, ये वाइब्स जैसा कुछ नहीं होता, अपने दिमाग से निकाल दे, है ना? सॉरी। आओ वाइब्स आओ। मम्मी मम्मी। यार क्या है अपू, सुबह से सब डराने में लगे मुझे। बेबी ऑडिशन देकर आ रहा हूँ, उसी का कैरेक्टर है ये। पिक्चर का नाम है हिंदुस्तानी मम्मी। हिंदुस्तानी मम्मी? हाँ हाँ बेबी, खान प्रोडक्शंस की फिल्म है हिंदुस्तानी मम्मी। पता है कास्टिंग डायरेक्टर मेरा ऑडिशन देख के क्या बोला? बोला अपार शक्ति सर, आपने कैरेक्टर को क्या निचोड़ा है। मेरा ऑडिशन देख के बोला सर दिस इज परफेक्ट, तुम देखना ये रोल मुझे ही मिलेगा। ये रोल आपको नहीं मिलेगा। क्या बोला बे? ये रोल आपको नहीं मिलेगा, ऐसी वाइब्स आ रही है मुझे। अबे एलियन तेरी तो बड़ा। क्या बकवास कर रहा है तू, बोल। मैं कह रहा हूं कि मैं एक ही चीज बार बार नहीं बोलता, मुझे औरों को भी आगाह करना है कि आज उनके साथ क्या क्या होने वाला है। आओ आओ वाइब्स आओ आओ। नहीं मिलेगा? अरे नहीं नहीं बेबी, बिल्कुल मिलेगा। तुम्हें पता है कास्टिंग डायरेक्टर मेरा ऑडिशन देख के क्या बोला? खान सर खुद मेरा ऑडिशन बार बार देख रहे थे। अरे बेबी मैं तुमको बता रहा हूँ, ये जो रोल है ना, ये रोल तुम देखना मुझे ही मिलेगा। नहीं मिलेगा। या अलौकिक ना एक नंबर का बेवकूफ है। अलौकिक भी एक नंबर का बेवकूफ है। ये कल फिर स्कूटी आपने यहाँ खड़ी कर दी। अरे कितनी बार मना किया है कि हमारे घर के सामने स्कूटी मत लगाया करिए, मत लगाया करिए, लेकिन समझती नहीं आप, हटाइए इसे। मेरी स्कूटी, मेरी मर्जी, मैं इसे जहां भी लगाऊं। आप कौन होते मुझे बोलने वाले? देखिए अभी ना मुझे शांति से मेरी स्कूटी को धोने दीजिए प्लीज। हाँ अरे स्कूटी आपकी है लेकिन जगह तो हमारी है, हमें आने जाने में दिक्कत होती है। रोड़ा है आपकी स्कूटी, रास्ते में खड़ी कर दी है, हटाइए इसे। क्यों? खिड़की से अंदर जाते हो क्या? दरवाजे से ही जाते होंगे ना अंदर, तो फिर कहाँ रोड़ा हुई बताइए जरा। दद्दू हमारे शरीर में इंटेस्टाइन आत ऐसे ये गुथी हुई होती है, समझ लो ये आपकी बड़ी आत है। अब ये ना कभी ऐसे मुड़ के दब जाती है। एकलव्य मुझे वाइब्स आ रही है कि तू अभी मार खा सकता है। क्या? हाँ तेरे और तेरे मार के बीच में बस इतनी सी दूरी है। बाकी यहां से इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है। जाओ ना यार भैया, भलाई का जमाना ही नहीं है। फिर से देखा जरा। हाँ। ये चेड़ 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 चेड़
चिड़ 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 चिड़। एक बात बताइए आशा जी, सुबह सुबह चाय में क्या डालकर पीते हैं आप जो पूरा दिन चिड़ चिड़ करते रहते हैं? आप ही चिढ़ाती है, हटाइए स्कूटी को तो नहीं चिढ़ेंगे। बात करती है, दे इसे क्या हुआ? सीधी हंस क्या रही है? आपकी ना चक्कर में ये दिक्कत हो रही कि जो आपकी बड़ी हाथ की नोजल है ना, ये ऐसे आगे जाके अटक जाती है, इसलिए आपका प्रेशर नहीं बन रहा है। अरे फिर चला गया? अब समझ में आ रहा है सब। पर एक बार ये नोजल सीधी हो जाए ना, फिर हमें गाना गा के ये सब करवा के आपको करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगी दद्दू, जैसा भी स्पाइक होगी देखना ऐसे। चिड़ाकू इंसान। तो बस एक बार आपकी हाथ यू सीधी हो जाए ना, फिर खाना पानी की तरह निकलेगा दद्दू। बस एक बार ये नॉनसेंस सीधी हो जाए दद्दू, फिर तो खड़ा रहे। खड़ा रहे। मैं वहां पर बाहर पानी दे रहा हूँ और तू यहाँ पे छोटी हाथ बड़ी हाथ कर रहा है। दद्दू ने समझाने बोला था। दद्दू थ्योरेटिकल समझने से प्रैक्टिकल में नहीं हो जाएगी। और तू मुझे ये पाइप भी मिला हाँ, पूरा भीग गया मैं, और वो हंस रही है मेरे पे पिंकी। एकलव्य मुझे और वाइब्स आ रही है कि तू और मार नहीं खाएगा आज। सरगम की ये सारे साथी। बेनीवाल जी धन्यवाद। 18 गुरुजी। अरे आशा भैया आस्तिक भैया बाथरूम से बाहर निकल गए बड़ी मुश्किल से, पिताजी की तो बनाई थी। गुरुजी से नया टोटका आया है इस साल शादी से बचने का। अच्छा क्या है नया टोटका? आशा भैया कृपया करके एक बार और बोल दीजिए। नहीं होगी इस साल, नहीं होगी। 19-20 धन्यवाद। सरगम अलौकिक ने सुबह हमें डरा दिया था कि पता है भैया। हाँ तो बस उसी से बचने के लिए गुरुजी ने उपाय बताया है कि 108 बार लोगों से ये बुलवाना है कि नहीं होगी इस साल, नहीं होगी। 21-22 धन्यवाद। अबो चलो पिताजी। हाँ याद है नहीं होगी इस साल, नहीं होगी। 23-24 धन्यवाद, ये तो ठीक है, लेकिन नया कुर्ता अति उत्तम। अरे हाँ पापा नया कुर्ता बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे शादी में 5 साल पुराना कुर्ता पहना था और आज नया। हाँ अरे बात ही कुछ ऐसी है, ऑल इंडिया साड़ी एसोसिएशन की मीटिंग है जो 2 साल में एक बार होती है सरगम, पूरे देश से बड़े बड़े सप्लायर आते हैं वहाँ, तो वहाँ दूर से ही दिखाई दे ऐसा इंसान होना जरूरी है। पापा मुझे आपके बारे में वाइब्स आ रही है, आज आप बाहर मत जाना। क्या? मुझे आपके बारे में वाइब्स आ रही है, अगर आज आप घर से बाहर निकले तो कुछ बुरा होगा। क्या बक रहा है तू एलियन? सुनो अलौकिक वो बोल देना जरा। होगी आपकी शादी होगी। पापी पापी पापा मुझे आपके बारे में वाइब्स आ रही है, आज अगर आप घर से बाहर गए तो बहुत पछताओगे। मैं वो मीटिंग में आज नहीं गया ना तो बहुत पछताऊंगा। अरे अप्पू चलो जल्दी। हे यूनिवर्स इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या गलती कर रहे हैं। क्या चल रहा है बेबी? बेबी नहीं मैं बताता हूँ, आज मुझे वाइब्स आ रही है। चुप, तू चुप रहेगा एकदम, ये आप लोगों को भी वाइब्स का ज्ञान दे रहा है क्या? हाँ सुबह मुझे भी बोल रहा था अप्पू भैया मुझे वाइब्स आ रही है आपको रोल नहीं मिलेगा। बेबी खान प्रोडक्शन से कॉल आया है, कास्टिंग वाला बोला सर आप शॉर्टलिस्ट हो गए। इसकी तो वाइब्स ही रॉन्ग होती है। नहीं राइट भी होती है, अलौकिक भैया ने जो मुझे बोला वो सच निकला कि मुझे मार पड़ेगी, तभी आशा भैया ने पीछे से आके जो मुझे मुक्का मारा पूरा सिलेबस भूल गया मैं। देखा वैसे इसकी सारी बातें गलत नहीं होती हैं, बचपन से वाइब्स आती हैं इसे। मुझे आज भी वो दिन याद है। आ रहा हूं पिताजी, वो भारत की बस को रोक के रखना।
अरे क्या हुआ, हट भैया। चलो घोड़ी भी आके खड़ी है। अरे ये अलौकिक बीच में से हटे तो आऊ ना। क्या हुआ, चॉकलेट चाहिए क्या तुझे? मत जाओ, मुझे बुरी वाइब्स आ रही है। आज मेरी वाइफ आ रही है, तेरी वाइफ गई तेल लेने, अब हट। उस दिन इसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, इसे वाइब्स आ गई थी कि सीमा आके हमारे जिंदगी की वाइब्स बिगाड़ देगी। इसकी वाइब्स पे मत जा, तुझसे अपनी वाइफ नहीं संभल पाई। चल चल अपू, जाते जा, चल। पापा मत जाओ, बाद में बोलना नहीं कि मैंने बोला नहीं था। पापा, ये सितारो, मेरे पापा का ख्याल रखना प्लीज। आज मम्मी घर में आने वाली है अलौकिक, तू ए सितारो, सरगम भाभी की मम्मी का भी ख्याल रखना। तू अपना ख्याल रखना प्लीज, मम्मी के सामने ये सब मत करना यार, वैसे ही मम्मी को इस घर से और घर वालों से प्रॉब्लम्स है। हां प्लीज अलौकिक। पापा गए, सरगम भाभी की मम्मी आई। सरगम की ये सारे साथी। कंप्लेन कर करके ना मैं थक गई हूँ सरगम। अरे गाजियाबाद की इन तंग गलियों में कोई गाड़ी कैसे चलाए? It's so difficult. वो तो अच्छा हुआ जो मैं बड़ी गाड़ी नहीं लेके आई, वो तो हिलती भी नहीं। यहाँ कैसे रहते हो तुम लोग यहाँ सरगम? How? It's insane. मैंने तुझे फेरों तक मना किया था, मत करिए शादी। सिर्फ गुड लुकिंग लड़का सब कुछ नहीं होता, फैमिली भी तो कोई चीज होती है, और इसकी फैमिली तो पूरी पागल है पूरी। मम्मी प्लीज, ये 7.5 लोग ना दिल के बहुत अच्छे हैं। गलती हो गई अपू, ये कुर्ता है ना वो मीटिंग हॉल पे पहुंचने के बाद में पहन लेना चाहिए था, और मीटिंग खत्म होते ही वो उतार के बदल लेना चाहिए था। तो क्या है, धोने की जरूरत नहीं पड़ती ना। भले ही पुराना लेकिन हमसे बड़ा घर है इनका। बड़ा घर, सिंगल टॉयलेट वाला बड़ा घर। एक टॉयलेट ना ऊपर के फ्लोर पर भी है। हाँ वही ना जो बन ही रहा है। ये मिस्टर छेदीलाल टॉयलेट के नाम पे कहीं ताजमहल तो नहीं बनवा रहे? क्या कर रहे हो? What are you doing? क्या हुआ? अरे बीच सड़क में साइकिल लगा के बीड़ी खरीदने चला गया। अरे मम्मी हटा लेगा, हटा लेगा। Oh God, this is madness. अरे सुन, मुझे लगता है मैं मेरी कंघी फूल गया हूँ। तो एक काम कर, वो कमलेश के वहाँ जा और एक कंघी लेके आ ढंकी, और उसको ये बोलना कि ये कंघी अभी हम ले जा रहे हैं, लेकिन अगर जमी नहीं तो वापस कर देंगे, तो वापस आते आते दे दूंगा उसको मैं। ए पप्पू भाई, तू अभी ये सब मत कर, नीचे उतर, ये पेंटिंग वेंटिंग छोड़। मैं जब तक यहाँ खड़ा हूँ ना, तब तक कोई पेंटिंग मत करना, एक बूंद गिर जाएगी ना तो 3 कुर्ते लूंगा तेरे पास से। अच्छा सुनो, आप आ जाओ, तब तक मैं बाहर ना पार्किंग की जगह खाली करवा देती हूँ, ठीक है? सरगम बेटा, ये सारे काम भी तू ही करती है। अच्छा ठीक है, आशा भैया को बोल दूंगी, वो खाली करवा देंगे। अच्छा आ जाओ आप। आशा भैया, आई टेल यू। Hey you! Oh my God! आखिरी ये क्या? खाली खोपड़ रत्तड़! Hey madam, देख के नहीं चला सकती? I'm sorry, उसकी वजह से हुआ। ये औरतों को तो गाड़ी चलाने का लाइसेंस ही नहीं देना चाहिए। अरे देखो क्या करके गई? पैसा कौन देगा इसका? खाली खोपड़ रत्तड़ औरत, बाहर निकल! ये तेरी तो, वहाँ देख देख, कैसी औरत है ये? अकल नहीं है उसमें। चलो ऐसे, चलो चलो चलो। यार सरगम की मम्मी की गाड़ी है, गाड़ी नहीं पहचान पाया। सरगम की मम्मी हराने वाली थी, आज भूल गए आप? वैसे हम अवस्थियों को कुछ समझती नहीं है वो, और आपने ऊपर से 4 चांद लगा दिए। तो शुक्र है ऊपर वाले का उन्होंने देखा नहीं है, वरना आज ही ले जाती सरगम को वो, और आपके चक्कर में एक साइकिल वाले को भी उड़ा दिया आगे। ए मैडम देखो कितनी चोट लगी। आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट माय फॉल्ट। वो आदमी, अरे भाग का रहा है, रुक। हाउ डे यू, ओ बदतमीज आदमी, कहाँ भाग रहा है? रुक, कहाँ गया वो, कहाँ गया वो आदमी? चिंता मत करो, अभी अभी तो यही था। पता है आपको क्या क्या कह रहा था? अकड़ बकड़। आपकी ये हालत किसने की है? जस्ट वॉज ये मैडम ने। लता आंटी आप? नमस्ते। जी तेरा, वो मेरी गाड़ी के आगे से जो उड़ के गया था वो तुम दे? I'm so sorry. सारे साथी, सारे साथी, सरगम की है सारे साथी। सॉरी आस्तिक भैया। कोई बात नहीं सरगम, घर की बात है ना। सॉरी भैया, घर की बात है ना, मम्मी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी सॉरी।
पानी। थैंक यू। एक्चुअली आई एम रियली सॉरी। सच कहूं तो सब कुछ उस बेहुदा आदमी की वजह से हुआ जो मुझे पीछे से पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोले जा रहा था। यू नो समथिंग लाइक थापड़ पापड़। पानी नहीं चाहिए, पानी। आपको बहुत दर्द हो रहा है ना? अरे आप खड़ी क्यों है, बैठिए ना। याद है एकलव्य, अप्पू को भी ना सेम ऐसे खरोचे आई थी पिछले साल 17 जून को, जब वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। आपको डेट भी याद है? तो मम्मी उस दिन ना मेरी पानी की मोटर एनिवर्सरी होती है, पापा ने ना पहली बार 17 जून को ही नई मोटर लगवाई थी। छोटी छोटी बातें, खुशियां बड़ी बड़ी। पानी। अरे नहीं चाहिए पानी। अरे मम्मी जी। ओके 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 ओके। अपू 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 अपू, क्या हुआ, ये पानी की बाल्टी कहाँ लेके जा रहे हो? वो बाहर एक प्यासा बैल आया हुआ है तो पानी पिलाना उसको। What? प्यासा बैल? Don't tell me कि तुम्हारे घर में प्यासे बैल भी आते हैं। सरगम, What's with the प्यासा बैल now? छोड़ो ना, वो एक तो मार्केट में जो भी चल रहा था आप जाने देती ना, आपका ध्यान भटका और देखो आस्तिक भैया को टक्कर लग गई। I'm so sorry. आप पानी पिएंगी या नहीं? नहीं। ओके। गया? गया, गया। अब देख ये कुर्ता है ना, वो सिर्फ पानी से नहीं धुलेगा। हाँ। साबुन ले गया। मैं अंदर से ना पानी की बाल्टी प्यासा बैल बोल के लाया हूँ, मतलब बैल बोल के लाया हूँ। अभी अंदर जाके क्या बोलूँ, साबुन की टिकिया दो, बैल का कुर्ता धोना है तो मैं अंदर कैसे जाऊंगा? एक आइडिया है, वो सरगम की मम्मी को हकाल दे। मेरे पास ना एक बेटर आइडिया है, आशा भैया कपड़े लेकर आ रहे हैं। आप ये ले। हाँ। अरे पिताजी ये क्या हुआ? वो मार्केट में एक महापुरुष है ना जिसने सरगम की मम्मी को प्यार भरे शब्द सुनाए थे, मिलिए उनसे। क्या मतलब, आस्तिक आपकी वजह से मरते मरते बचा है? क्या क्या हुआ आस्तिक को? आस्तिक भैया सब ठीक है ना? I'm so sorry once again. ये सब कुछ ना उस स्टूपिड आदमी की वजह से। गुरुजी कहते हैं कि अगर कोई दिल से माफी मांगे तो फिर। इट्स ओके, आई गेट इट। सरगम, छेदी जी नहीं दिख रहे हैं? नमस्कार 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 लता जी, नमस्कार। माफ कीजिएगा, मैं कुछ काम से बाहर गया था। पर पापा सुबह तो आप। हाँ मैं सुबह गया था, फिर वापस आ गया, फिर वापस मुझे फोन आया इसलिए मुझे निकलना पड़ा। आशा का फोन आया कि लता जी आई है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। सुना है आपके साथ कोई हादसा हो गया? जी वो एक्चुअली। अरे अरे बेटा बहुत सारी चोट आई है मुझे। कुछ नहीं बैठ बैठ, मैं आ गया हूँ। बैठ जा, आप भी बैठिए ना लता जी, बैठिए। थैंक यू थैंक यू। लेकिन लता आंटी उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाई आप? वही जिसने आपको इतना बुरा भला कहा। डोंट कॉल हिम आदमी, आदमी नहीं था वो, जाहिल था, गवार था। भूल जाइए भूल जाइए, जो हो गया वो हो गया लता जी, अब जाने भी दीजिए उस बात को, भूल जाइए। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं, आपको क्या पता उस आदमी ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। खोपड़ खाली, खद्दड़ बब्बड़ एंड व्हाट नॉट। अंधी औरत, औरतों को तो गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए। क्या औरतों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए? हाँ एंड सरगम इट्स नॉट अबाउट जस्ट माई इंसल्ट, ये हर उस लेडी की इंसल्ट है जो आज की भीड़ में अपनी गाड़ी खुद चलाने की हिम्मत रखती है। मैं उसे ढूंढ के निकालूंगी छेदी जी, और उसे तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। हाँ मम्मी, और अगर ऐसी बात है ना तो फिर तो मैं भी आपके साथ हूँ, उसे कहीं से भी ढूंढ के निकालेंगे हम लोग। और क्या? और और उस आदमी को ढूंढ कर घुमा घुमा कर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। बेटा आस्तिक,
नहीं पिताजी, उस आदमी की तो सामूहिक धुलाई होनी चाहिए। अच्छा भैया, आप उसको भरे बाजार में बालों से खींच खींच कर गोल गोल घुमाकर मारना, और वो मार्केट के बीच में जो हरा वाला कचरे का डिब्बा है उसमें उसके कपड़े फाड़ के उसे घुसा देना। बेटा आस्तिक, ये सब ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल ज्यादा नहीं हो रहा है। हप्पू तुम अपना हाथ रख देना उस पे, फिर वो उठेगा नहीं, संसार से ही उठ जाएगा। और मैं क्या करूं? तुम उसके मरने के बाद उससे बातें करना। हाँ, For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.